में और इन लोगों ने कैसे भजन की है, एक हमारे से ऋषि प्रभु जी कर लो ऋषि अरे उधर ही छोटी की बात सुनाएगी, छोटी की जितने महत्व है वो अपना कथा सुनाएगा, उसको ऊपर कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम गुरुदेव जनित महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा व्यास भक्ति वेदांत सिंह नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ सभी भक्तों के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ महाराज जी का आज इस वाक्य बारे में कैसे गुरुदेव से जुड़े उस विषय में बताने के बारे में जीत प्रभु सबसे पहले हमारे घर में से भजन पे जुड़े। जीत प्रभु मेरे भाई हैं, तो जब ये सबसे पहले भजन करते थे हम तो उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 साल का ही अंतर है, एक ही रूम में रहते थे। तो जब ये सबसे पहले मैंने 12 देखी ना, इससे पहले हमने कभी जीवन में जब थैली भी देखी थी तो मैं सोचता था पता नहीं क्या करता है ये, लेकिन हरे कृष्ण इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की, अपना जीवन खराब कर रहा है, इतनी बढ़िया ये ऐसा मैं सोचता था। फिर धीरे धीरे मैं ये जो मेरे दिमाग में ये जरूर बात थी कि एक बार मिलूंगा जरूर, ये कहाँ अपना जीवन खराब कर रहा है, कौन है, कहाँ पे भटक गया है। तो एक जतिन ब्राह्मण है जिन्होंने इनको जोड़ा था, तो वो कहने लगे हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, आप हमें सुबह सुबह 5 बजे इन्हीं दिनों की बात ही गर्मियों का टाइम था कि गुरुदेव के पास छोड़ दो, और पास में हमारे घर से 2-3 किलोमीटर सीतादी नियम के कारण गुरुदेव आए थे। जैसे ही हम गए ना रूम में, गुरुदेव थे 2-4-5 ही भक्त लोग थे बस, ये जानते ही गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम लेट गए। हमने कभी ऐसे प्रणाम भी नहीं देखा था मैंने, तो हम तो वैसे ही कहते ना चरणों तक, अब तो चरण खत्म हो गया, घुटनों तक ही बस ऐसे करते थे, पहले चरणों तक झुके करते थे, घुटनों तक करते। तो गुरुदेव ने मेरे से कहा हरि नाम लोगे, तो मैंने गर्दन हिला दी, पहले का प्रणाम करो कोहनी मार के जी प्रभु ने, मैं चरणों में लेट गया, गुरुदेव के मुख तक पहुंच गया, गुरुदेव का हरि नाम लोगे, मैंने मैं सोचा खाने की चीज होगी, क्योंकि ये प्रसाद बोलते थे प्रसाद पाना अभी तो ये शब्द सुनने में पहली बार ही आए थे। तो मैंने गर्दन हिला दी, गुरुदेव ने 3 गांव की माला पहना के जब थैली दे दी और बोला झूठ नहीं बोलना, तिलक लगाना और हरिनाम करना। अभी आ रहा भाई आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि जो है ये 3 चीजें बताई, मैं बाहर आके जीत प्रभु से मिलकर लड़ा, मैंने कहा ये क्या ड्रामा है, कह रहे मना कर देना, मैंने कि मना क्या करता, मैं सोचा कोई खाने की चीज होगी रसगुल्ला वगैरह। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर उन्हें समझा के फिर 2 माला करने के लिए कहा, 2 माला करते करते फिर समझ में आने लगा थोड़ा, फिर हरि नाम हुआ, दीक्षा हो गई। दीक्षा के लिए जब बाल कटवाए ना, वो चुटिया रखनी पड़ेगी, उसके लिए मन तैयार नहीं था, चोटी रखनी पड़ेगी। मैंने उससे कहा भी नहीं चुटिया चोटी जो है अगर इसके बिगड़ बात बन जाए तो बिगड़ गंजा हुई दीक्षा मिल जाए तो बात कर लो। हम गए भी बाल महाराज से मिलने, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल, फिर गंजे हो गए, फिर दीक्षा मिली। दीक्षा मिलने के बाद जब मैं घर आया गंजा होके छुट्टियाँ होके, सर्दियों कार्तिक के महीने के लास्ट दिन था जब दीक्षा हुई, तो मैं घर में कैप ओढ़ के रखता था। उस समय शुरुआत में थोड़ा घर में घर वाले नाराज भी थे, फिर
सिंह जो है हमारे पिता कहने लगे कि क्या बात है, लड़का ज्यादा ही ठंड मान रहा, क्या कुदरती नहीं है इसकी। तो फिर धीरे धीरे इनके पिताजी ने देख लिया, सर पे गंजा हो गया, जले हुए देख लिया, तो मेरे से तो कुछ नहीं ना, जीत पर बुला के बोला इसको भी अपने जैसा बना दिया। फिर हमारे जो बड़े भाई है ना, वो थोड़ा राजनीति में राजनीति में व्यक्ति है, वो कहने लगे जो चलो कर रहे हो सही कर रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन ये जो ना चोटी कटवा दे घर की, इससे क्या दिक्कत है, कह रहा ना इससे समाज में हमारी इज्जत खराब होती है और जो है तेरी शादी भी नहीं होगी, चोटी रखेगा तो शादी भी नहीं होगी। घर की अच्छा धनगी फिर तो कटवानी पड़ेगी। तो मैं कह यार हमारे बाहर घर के बाहर नाई की दुकान है, फिर मैंने उससे कहा भी चोटी काट दे, उसने चोटी काट दी। उसके बाद फिर 2005 में 2002 की घटना, 2005 में मेरी शादी हो गई, शादी हो के जो मेरी वाइफ अपने घर चली गई, उसके बाद मैंने सोचा शादी तो हो गई, मैं नाई की दुकान वापस गया, मुझे भी छुट्टियाँ रख दे, उसने फिर छुट्टियाँ बना दी। उसके बाद जब वो दोबारे से लेके आया ना, वो रात भर रोती रोती रही पूरी रात, एक दो दिन में टेंशन में बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर कह रहा इसको टेंशन है, कहती नहीं इसको क्या टेंशन है, मैंने उससे पूछा भी क्या टेंशन है, कह रही जल्दी ठीक होगी अब छुट्टियाँ कटेगी। कहती भैया ये तो चोटी की दुश्मन सब आ गए। फिर मैंने अपने मन को समझाया भाई अगर घर चला रहा तो अब ये चोटी फिर एक बार बलिदान देना पड़ेगा। मैं नाई की दुकान में फिर वापिस आया, मेरी तो चोटी काट दी, उसने चोटी काट दी। फिर ये घटनाक्रम चलता है, मन थोड़ा दुखी होता था कि भाई चोटी होनी चाहिए, सबको देखता था भक्त लोगों को, मन में चलता रहता था चोटी होनी चाहिए। फिर 2011 की घटना आई, मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, गर्मी जून के महीने में बहुत तेज बुखार हुआ, चक्कर खा के गिर गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे जो है फिर मुझे जो डॉक्टर दवाई देते उसका रिएक्शन हो रहा था, कुछ फायदा हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद मामला खराब हो गया। फिर उसी रात को सपने में गुरुदेव आए और ऐसे लगा मैं नीचे जा रहा हूँ, बिल्कुल धरती के नीचे चला गया, सर सर बच रहा, मैं कह रहा गुरुदेव बचाओ गुरुदेव बचाओ, और गुरुदेव ऐसे घर में कह रहे बचाओ कहाँ से, जो क्या उसने रखी। फिर जो मेरी आँख खुल गई, फिर मुझे लगा भी चुटकी, और फिर मैंने मेरी घरवाली मेरे पास ही थी, मैंने उससे कहा भैया तो मामला खत्म है, अब तुझे रहना रह जाना जा, अब चोटी रखी जाएगी, मैं भी जब भी ठीक होगा। फिर जब तक वो भी समझ गई थी, काफी समय निकल गया 4-5 साल, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं वापिस आया नाई की दुकान में, मैं भी वही चोटी बना दे, वो कह रहा एक बार और सोच ले, मैंने कहा सोच के आया, वो कर्तन कट जाएगी पर चोटी नहीं कटेगी। तो ये भजन में हमारे महाराज जी एक बात और कहने में समाप्त करूंगा, 2 मिनट लूंगा, पिछले 5 दिन से 6 दिन से कथा कर रहे हैं और कथा को देखना घुमा फिरा के हरि नाम पे लाते हैं कि माला नाम की महिमा, नाम की महिमा। सतुलसीदास मीरा भाई सबने नाम की महिमा ही बताई है, कथा बहुत सुदृढ़ है, ये कथा ना हमें लग रहा है इतनी आसानी से हमें मिलती है पर है बहुत कुछ, जैसे कि इतनी दूर लगेगी कथा का स्थान भी चेंज करना पड़ा, और इतनी साधारण तरीके से मिलती है ना, इतने साधारण तरीके से है नहीं। जैसे कि मोदी जी ने एक दिन रात को एवाकी ये कहा 8 बजे कि रात को 12 बजे के बाद ये जो आपके 500 और 1000 है 2 साल के 2.5 साल के बच्चे की तरह, जैसे उसके सामने खिलौना रख देंगे ना, चाबी वाला खिलौना एक सोने की ईट, तो खिलौने वाले चाबी वाले खिलौने को पकड़ेगा, सोने की ईट की महिमा उसे पता नहीं है वो कितने की कीमती है। इसी तरह हमें भी गुरु वैष्णव के संतों के भागवतों पे ना भी भरोसा नहीं है, जब उस जगत में जाएंगे ना ये नोट वोट नहीं चलेंगे, वहाँ दूसरी मुद्रा चलती है, वो है नाम नाम की मुद्रा, भरोसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 और मरने वाले थे, और गुरु जी को बुलाया तो गुरु जी स्वयं आ गए, और गुरु जी तो पकड़ कर निकाले गए नर्क से,
लेकिन पकड़े करके निकालेंगे कैसे? कुछ हो तभी तो पकड़ेंगे। इसलिए गुरु जी ये चोटी को पकड़ करके गुरु जी हमें नरक से निकालते हैं। अगर हमारी चोटी होएगी तभी तो गुरु जी हमें निकाल सकते हैं, अगर चोटी नहीं होगी ना फिर गुरु जी हमें कहाँ से निकालेंगे। इसलिए हमारी चोटी माता को बड़ी बड़ी चोटी कोई चिंतित कर रही। इसलिए हमारे जितने भाई लोग बैठे हो जरूर एक चोटी रखना। देखो ये हमारी हिंदू धर्म है, मुसलमान अगर इतने बड़े बड़े दाढ़ी रख सकते हैं क्या हमें हिंदू होकर चोटी नहीं रख सकते हैं? जब मुसलमान इतने बड़े बड़े दाढ़ी रख सकते हैं क्या हम चोटी नहीं रख सकते हैं? अपना धर्म को क्या नहीं बचा सकते हैं? इसलिए पहले हर हिंदू का पहले चोटी जरूर धारण करनी चाहिए, जनेऊ पहननी चाहिए, गला में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, तिलक पहननी चाहिए, हमें भगवान की माला भी हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग वैसे हरिनाम लिए दीक्षा मंत्र हरिनाम लिए, लेकिन क्या होता है मैं जब आता हूँ जब माला देता हूँ ना माला तो पहन लेते हैं, लेकिन जब दूसरे बार आता हूँ माला है गले में कंठी नहीं है उसकी। बोले भैया कंठी कहाँ गई? बोले टूट गई। बोले तुम्हारी तो सोने की चेन टूटी नहीं। हमारी सोने की चेन तो टूटी नहीं, ये माला कैसे टूट गई? देखो हमारे बूढ़ी बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरु जी के हाथों से हमने एक बार माला पहन ली है, ये तुलसी का हार है। हम सुन रहे थे ना जिस भी गले में तुलसी कंठी होगी वो कभी जम भुन नहीं जाए। जम स्वयं कहते हैं जो भगवान की भजन करते हैं कभी मेरे पास में मत लाना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भजन करता है कि नहीं करता है? बोले उनको शरीर में तीन चिन्ह देखोगे। कितना चिन्ह देखोगे? देखो ये श्लोक है भागवत का। बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सतर ब्रह्मराक्ष जम करे है। जैसे कोई कोई कहते हैं ना अरे दुनिया को दिखाने का थोड़ी जरूरत है, तिलक लगाओ गला में कंठी पहनो दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, अंदर रखो ना। देखो आप जितने सद्भाव स्त्रियां आप लोग मांग भक्ति की थी, सिंदूर लगाते कि नहीं, मंगल सूत्र पहनते कि नहीं, गले में हाथ में शंखा पहनते कि नहीं, पहनती है ना। अगर हम बोलेंगे दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, पति कब से बना तुम्हारी, शादी से पहले कोई मतलब तुम्हारी पति से, बीच में खत्म हो गया गया, अगर डाइवोर्स हो गया उसमें भी गया, तब गए ये दूध निकलिए मांग तिलक मांग मंगल सूत्र ये सब क्यों धारण करते हो? जैसे तुम्हारी पति जीवित है, पति जिंदा है, अभी तुम अभी विधवा का रूप धारण कर लो, पूरा सफेद साड़ी पहन लो, एकदम विधवा का रूप धारण करते हुए शंखा सिंदूर उतार करके पति को सामने चले जाओ, बताओ पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं? जाती है ना पति क्या होता है, खुश हो जाए, पति प्रसन्न हो जाती है, मेरे को मानती है। लेकिन अगर ये सब चीज को निकाल कर ले जाओगे पति मानेगा नहीं करेगा? देखो अगर ठाकुर के सामने जब जाते हो आप, ठाकुर देखते हैं तुम्हारे पास में तीन चीज है क्या नहीं, अगर है तो ठाकुर स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं तो बोले भैया तेरे से हमारा कोई मतलब नहीं, क्या फर्ज नहीं है। जब दुनिया की पति के लिए इसलिए कहते हैं ना ऐसे पति ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, कितने जन्मों में मांग भर रहे सिंदूर लगा रहे संथा पहन रहे सब टूटते जा रहे मिटते जा रहे, हर जीवन में नया नया पति हर जीवन में, बोले कब तक ये पकड़ोगे छोड़ोगे, इतने पति को पति बनाओगे तुम? बोले जब तक असली पति को तुमने नहीं बना दी तब तक ये नकली पति को छोड़ोगे, मांग मिटेगी संथा टूटेगी हार टूटेगी। लेकिन अगर एक बार कृष्ण को पति रूप में कहते ना ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, पति भरियो गोपाल दुसो जो जुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी बना लगा दो, मेरी मुझे श्याम सुंदर की हाँ। अगर उनकी दुल्हनी बनना चाहते हो ना, अगर गले में कंठी तिलक अगर प्रभु का भजन माला है ना, शास्त्र ग्यारह देता है इसको बाद में सिखा, तू मेरे पास में आओगे तो मेरी गोपी बनोगे दुल्हनी बनोगे। अगर ये माला तुम्हारे पास में है ही जब नहीं करते हो गला में कंठी तिलक नहीं, भगवान जितने बोलने पर भी भगवान लात मार कर निकाल रहे, बोले तेरे से कोई मतलब हमारे क्या लक्षण तुम्हारे अंदर में,
तो मेरे बहने के डरते हो दुनिया पति के लिए फिर जिंदा कहते हो और मेरे लिए कोई चिन्ह नहीं तुम्हारी रहते हो इसलिए गले में कटी अगर गुरु बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरु जी से द्वार कटे ये जो हार है अगर ये कटी निकल गई पानी तक मत पियाओ गुरुदेव कहते थे क्यों जो कुछ हम पीते हैं गले में कंठी रहने पर उसको टच करते हुए अंदर में जाता है जो कुछ बोली बोलते हैं वो शुद्ध भर करके निकलता है इसलिए अगर गले से कंठी उतर गया पानी मत पियो मना करेगा गुरु जी ने जब तक दो बार कंठी नहीं पहनोगे तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए इसलिए गुरु जी के हाथ से जब कृपा लिया कभी भी गले से कंठी नहीं उतरनी चाहिए अगर तुम्हारी हथा शरीर छूट गई सीधा नर जाओगे तुमको दुनिया में कोई नहीं बचा सकते अगर गले में कंठी तिलक रहेगा ना जब तू तो अगर देख लिया प्रणाम करेगी भैया ये ठाकुर जी का जन है ये पालतू है ये फालतू नहीं पहले ने बोला ना जब तू तो पहले पता नहीं चलेगा ये भजन करता है कि नहीं करता बोले दो तरह के कुत्ते कितने तरह के एक पालतू और एक फालतू जो पालतू होते हैं गले में पटा बना हुआ रहता है कितने से पता चलता है घर के कुत्ते और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं ये फालतू है देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कहीं छोड़ते नहीं इसलिए गले में देखना जो घर की कुत्ते होगी ना ये बच्ची को बार बार सामने बनूंगा इसलिए देखना जब कुत्ते की गले में पट्टा रहता है देखना उसमें जो जंजीर रहती है मालिक जिसको पकड़ करके कुत्ते पट्टोल करती है इसलिए जिनकी गले में तुलसी कटती है पट्टा है आज हमारे प्रभु जी बता रहे थे कहते एक तरफ में राधा रानी हाथ में जंजीर और एक किसी भाग्य बिहारी के हाथ में जंजीर दोनों दोनों धर्म में पकड़े हुए हैं जिनकी गले में तुलसी कटती है जैसे मालिक को हाथ में उसकी जंजीर रहती है कंट्रोल करती है हमारे मालिक कौन श्री राधा रानी और श्री भाग्य बिहारी राधा रानी और भाग्य बिहारी माना दोनों तरफ से जंजीर पकड़ कर करेंगे और जब शरीर चुमेगा क्या करेंगे कि हमें सिद्धार्थ गोलोक वैकुंठ वृंदावन ले जाएंगे इसलिए देखो तब भी हम शिष्य है तब भी हम कह सकते हैं गुरु जी की शिष्य है शिष्य मतलब क्या है जब शासन को स्वीकार कर जिसको कहते शिष्य गले में कटनी पहन कर उतार दिया तुम शिष्य है ही कहने का लायक नहीं तुम शिष्य से तुम बाहर हो अगर गले में कंठी है तिलक है माला जब करते हो तो गुरु करना सार्थकता है ना क्या लोग को दिखाने के लिए कंठी और माला पहन लिए और कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं ठीक है ना इसलिए गले में कंठी तिलक और ये माला कभी हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए ठीक है देखो यहाँ पर हम लोग तो बड़े बड़े हो गए घर का तो काम बाहर तक नहीं जाते नहीं बाहर तक हम जाते नहीं घर में रहते लेकिन देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी घर में कंठी पढ़ाई करते हैं देखो तुम खड़े हो जाते तुम खड़े हो जाते तुम भी खड़े हो जाते देखो ये छोटे छोटे बच्चे हो आज पढ़ाई कर रहे हो ना इधर घूम कर खड़े हो जाते तुम लोग तो अपना घर में घर के काम करते हो लेकिन ये बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं देखो इनका तिलक है कि नहीं देख रहे हो तिलक कल कथा सुना रही थी ना देखो इनका भी छोटे छोटे बच्चे लग रहा है और सामने तुम्हारी स्कूल है सामने की स्कोर है कहाँ अंग्रेजी लोग अफ्रीका फ्रांस से आकर तिलक लगाते और हम भारतीय होकर तो कोई कोई हमारी भक्ति का कोई चिन्ह नहीं ठीक है ना उसको करने कोड़े मार मार कर उसको 13 दिन लगती है बैतरणी नदी पार करने के लिए इसलिए 13 दिन बाद में शुद्धि होती है लेकिन इसको ऊपर में कोड़े पड़ेंगे बोले जिनके गले में तुलसी कटती नहीं होगी जो तिलक नहीं लगाए होंगे जिनकी गला में कंठी और तिलक है ना वो कभी भी ये बैतरणी नदी पार कभी नहीं करेंगे इसलिए क्या करना गले में कंठी और तिलक शर्म नहीं करना शर्म तो किसी गंदी काम के लिए शर्म करनी चाहिए भक्ति के लिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए ठीक है ना सबको सब कंठी माला तिलक पहनो और भगवान की भजन करो एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे एक बार आप बोलो हरे
भैया की प्रभु जी से जी प्रभु की भैया रखते हैं और भी आपको नाइडा में प्रचार करते हैं। उन्होंने पूरा गांव के गांव को उन्होंने भक्ति में जोड़ा। जब उसने पता रहता ना पहले भैया में जुड़े इसको देख करके वो भी गुजर समाज छोटू बड़ा नाम से है वो भी गुजर समाज है ये पहले भक्ति में आए और पूरा गांव तो धीरे धीरे सब एकादशी व्रत रखना प्रभु की भक्ति करना सबको उन्होंने प्रभु की भक्ति में लगाए और नोएडा में बड़े सुंदर जन्माष्टमी रामनवमी बड़े बड़े उत्सव वहाँ पर होता है। ये प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाए नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रभु स्तम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री शिवाद भक्ति वेदांत शील नारायण गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ और हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हुए जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं माताएं लोग प्रभु लोग और दीदी लोग जितने भी सभी लोग हैं सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं पिछले चार पांच दिन से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज परम पवित्र एकादशी तिथि है। एकादशी की दिन भागवत कथा में आए हुए हैं बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। अभी जैसे कि महाराज जी बता रहे थे कि हम हर साल आते हैं मैं तो कथा कुछ और बोलने वाला था परंतु महाराज जी की बातों को सुनकर और अभी सुनकर और यहाँ के लोगों को देखकर अभी मेरे को कथा थोड़ा सा बोलना पड़ेगा इस विषय पे कि महाराज जी बोलते हैं हर बार तिलक लगाते हैं भगवान का नाम भी लेके जाते हैं हर जगह ये होता है। महाराज कितना आनंद आ रहा था नाच रहे थे जय कन्हैया लाल जी कितने लोग नाच रहे कितना आनंद आ रहा था हर भागवत कथा में आनंद आ रहा है ना रोज कितना बढ़िया बढ़िया कथा सुनने में कीर्तन में आनंद। भगवान का धाम भी ऐसा ही है वहां पर हर क्षण में प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वाद हर पल पल में आनंद है वहां पर। इस संसार में क्या है हर पल दुखी दुख है जैसे बढ़ोगे आप हर कदम पे दुखी दुख है। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम में आए पर वहां आकर सुखी हो जाए परंतु हम चाहते भी हैं नहीं भी चाहते क्योंकि महाराज जी बता रहे कि बार बार कम से कम भगवान के सबसे पहला उपदेश जो भगवान की प्रेम करना चाहता है कौन कौन चाहता है कि हम भगवान को प्रेम करें भगवान के पास जाएं तो लक्षण क्या है प्रेम का कि भगवान की बातों को कम से कम माने भगवान की बातों को माने या गुरु की बातों को माने। महाराज जी हर साल आते बोले कि भगवान का नाम करो कंठी माला पहनो और तिलक लगाओ है ना और हम लगा भी लेते हैं बड़े जोर शोर से दो तीन दिन तक लगा देते हैं सातवें दिन के बाद फिर भूल जाते हैं धीरे धीरे तिलक आता है ना तो भूल जाते हैं पर माला भी एक दो दिन करते हैं और फिर माला भी रख देते हैं थोड़ा बहुत दुख आया दुख नहीं भी आया तो रोज कर नहीं पाते तो ये ऐसा क्यों होता है और शर्म की बात बताई तिलक लगाने में शर्म आता पहले तो दिन लगाए बड़ा दोस्त के साथ किसी दूसरे दिन गए घर के बाहर किसी ने टोक दिया बड़ी भगत नहीं बन रही है इतना बड़ा तिलक इतना ऐसा बिंदी लगा ले तो वही बहुत है। अभी मैं सोनगढ़ में कथा कर रहा था एक माता जी ने पहली बार तिलक लगाया बड़ी खुश होकर आई तिलक लगा के तो जब वो जा रही थी ना सामने दो माताएं बैठी थी तो उसको बोली थी उसको बोली ए दीदी इधर को देखना ऐसे देख ली हंसने लगी मारो फिर बोले देख दोबारे से देखा हंसने लगी तो देखिए हंस क्यों रही माता कह रही बड़ी अच्छी लग रही है आज तो मतलब उपहास करके तो उसको बेचारे को एक दो बार तो ठीक लगा फिर उसको भी हौसला कम हो गया तो हमारा भी ऐसे हौसला हो ही जाता है। ये क्यों होता है
शर्म तिलक लगाने में नहीं आती। शर्म क्यों आती है पता है? देखो आप बात आप ही बताना, शर्म किसमें आती है? यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 300-400 लोग बैठे हैं। अगर 400 लोगों में 399 का तिलक लगा के आए, हर एक लगा के नहीं आए, अभी शर्म किसको आएगी? जो लगा के नहीं आएगा। और कम से कम 300 तिलक लगा के नहीं आए, एक ही लगा के आए, अब शर्म किसको आएगी? तिलक की शर्म नहीं है, शर्म किसकी है? संख्या की। अगर सारे लोग शर्म तिलक लगा के आएंगे ना तो शर्म उसको आएगी जो तिलक लगा के नहीं आएगा। मैंने खुद देखा ये बात, मथुरा में गुरुदेव कथा कर रहे थे, तो वहां पर विदेशी माताएं थी, विदेशी माताएं साड़ी पहन के बड़ी लंबी लंबी सुंदर सुंदर तिलक लगा के बैठी थी, और वृंदावन से हमारे दीदी लोग जाती थी, वो भी साड़ी पहन के कोई सूट पहन के तिलक लगा रही थी। एक वहां पर एक लेडीज आई, जींस पहन के टी शर्ट पहन के थी, और जितने भी वहां थे एक अकेली हुई थी, और वो उनके सामने बड़ी बेचारी सी ड्रेस थी, वो आ गई और मथुरा में बैठ गई, और बैठी सबको देख रही है, बार बार कभी ऐसे कर रही है, वो कभी ऐसे कर रही है, उसको बड़ी शर्म आ रही है, अकेली वही जींस में है और सारे इसमें साड़ी में। और वही अभी अब मॉल में जाओगे, मॉल में आप मॉल में सारे जींस में घूम रहे हैं और आप अकेले ही साड़ी में घूम रहे तिलक लगा के, भाई शर्म किसको आएगी आपको? इसलिए शर्म तिलक की नहीं है, शर्म किसकी है? संख्या की है। अगर आप सब लोग भक्त बन जाओगे ना, सब भक्त बन जाओगे तो शर्म उनको आएगी जो लोग भक्त नहीं है। हमने कई बार देखा नवदीप में हमारे साथ भक्त लोग जाते हैं ना, किसी नए नए भक्त को पकड़ के ले जाओ, हम लेके गए एक बार भक्त को पकड़ के नए नए को, तो सब लोग धोती में कुर्ते में घूम रहे थे तिलक लगा के, वो अकेला ही बेचारा जींस में घूम रहा था, उसको देख के सब कह रहे भैया एक धोती है तुम्हारी मेरे को भी दे दो। मैंने क्यों पहले भी करे सब मेरे को ही दे करे तो मेरे को भी दे दो। तो इसलिए धोती इसकी तिलक की शर्म नहीं है, शर्म किसकी है? दूसरी बात महिमा पता नहीं, महिमा पता नहीं। सोने की चैन पहने के हम घूमते हैं, सोने की चैन अगर कोई बोले ना, मैंने देखा कई लोगों को, मैंने कहा प्रभु जी कंठी क्यों उतार दी, माता जी कंठी क्यों उतार दी? प्रभु जी एलर्जी हो रही थी इसलिए उतार के रख दी। अगर सोने की चैन पहनो मोटी वाली एलर्जी भी होगी ना, दवाई लेके दोबारा पहनते हैं सोने की। कोई कहते हैं ले लो प्रभु जी एलर्जी हो रही है ले लो, कोई बोलेगा? इसकी महिमा बताना, सोने की क्या महिमा है? सोने कितने रुपए तोले आ रहे हैं? सोने जो हम तोले की जो बता रहे 30,000 रुपए तोले, 35,000 रुपए तोले, कंठी के एक दाने की भी इससे बड़ी तुलना नहीं है। सोना इस जगत के दुखों से भी छुटकारा नहीं दिला पाएगा, और कंठी का एक पत्ता आपको संसार के दुखों से छुटकारा दिलाएगा। देखो कथा सुनो, महिमा जी बताना। एक बार जयपुर की घटना है, जयपुर की घटना है, जयपुर में दो बड़े बड़े यम के दूत आए और बड़े भयंकर रूप चला के, तो वहां पर क्या हुआ, एक मुसलमान खड़ा था उसको दिखाई देते, जो लोग अपवित्र होते ना उसको भूत प्रेत दिखाई देते, तो उसको दो बड़े बड़े दूत दिखाई दिए। उसने कहा भैया आप यहाँ कैसे खड़े हो? कह रहे देखो क्या हुआ, हम लोग यमराज के शिष्य है। तो कह रहे यहाँ कैसे आए? कह रहे यहाँ एक व्यक्ति मरने वाला है, हम उसने बड़े पाप किए हैं, हम उसको लेने के लिए आए। कह रहे अच्छा लेने के लिए हम? कह रहे कैसे? कह रहे अभी अभी ना आएगी बैलगाड़ी, आएगी बैलगाड़ी पे बैल आएगा, इस चौराहे पे उस व्यक्ति को टक्कर मारेगा और वो व्यक्ति टक्कर खा के मर जाएगा, और उसको हम यमराज जी के दूत वहां पर ले जाएंगे। उसने कहा ये सच बात है? बोले बिल्कुल सच बात है, 10 मिनट के बाद देखना बिल्कुल ऐसी घटना होगी। उसने कहा अरे ये सच की बात है? वो भी खड़ा हो गया, तो देखो थोड़ी दूर के बाद बड़े बैलगाड़ी आई, बड़ी जोर से बैलगाड़ी आ रही थी, और बैलगाड़ी इतनी जोर से आई तो वहां पर एक व्यक्ति आया, बैलगाड़ी ने टक्कर मारी और वो व्यक्ति बहुत तेजी से उछल के गिर गया। अब वो गिर गया तो गिरा किसके ऊपर? वहां तुलसी का पौधा था, सूखा पौधा था, हरा पत्ता नहीं, सूखे पौधे पे वो गिर गया, टच हो गई तुलसी, बस स्पर्श हो गई। अब उसने कहा यमराज के जो दो दूत थे वो खड़े खड़े रह गए। मुसलमान ने कहा भैया तुमने सारी बात तो सही बोली थी, एक बैलगाड़ी आएगी, एक व्यक्ति आएगा, उसको टक्कर मारेंगे, वो मर जाएगा, उसको हम लेके जाएंगे,
पर तुम लोग तो खाली आ जा रहे हो, सारी बात ठीक हुई पर लेके क्यों जा रहे? करे यही तो बात हो गई। उसके बीच में एक घटना घट गई, सारी चीज कोई कहते ना, कोई अनजान में भी संतों का दर्शन हो जाए, अनजाने में तुलसी का स्पर्श हो जाए तो उसका क्या फल है? कहते वो तुलसी के ऊपर गिर गया, तुलसी के पौधे के ऊपर। अब अंतिम समय जो गंगा जी का पानी जिसके मुख में चला जाए, भगवान का नाम जिसके मुख में चला जाए और तुलसी का पत्ता जिसके मुख में चला जाए, तुलसी स्पर्श हो जाए। यमराज जी ने खुद कहा यमदूतों से, अरे किसको मेरे पास मत लाना, जिनके मस्तक में तिलक है, जिनके मस्तक में तिलक है उनको मेरे पास मत लाना, जो कंठी माला धारण करते हैं उनको मेरे पास मत लाना, और जो मेरे प्रभु भगवान का नाम जप करते हैं उनको मेरे पास मत लाना। किसने बात सुनी? मुसलमान ने। और मुसलमान को सुन के बाद तुलसी की महिमा पता लगी, साधना नहीं है तुलसी तो क्या है? हम लोग अगर सोना पहना हुआ तो सोना, अगर तुम मर गए यमराज जी तुम ले जाएंगे आराम से, ना सोना भी रक्षा पाएगा, एक किलो की चैन पहन लो, दो किलो की पहन लो, तो यही छोड़ना पड़ेगा। और उस चैन को क्या करेंगे, उतार लेंगे घर वाले, ना तो हमारे साथ जा रहा है और ना ही हमारी रक्षा कर रहा है, तो क्या लाभ? इसलिए क्या करो, तुलसी माला की महिमा समझो, ये झूठी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है किसी ने बोल दी और आप ऐसे बोल रहे हैं। रोजी कथा भागवत में बड़ी महिमा बताई तुलसी की, तुलसी में ये केशव व्रत भी चल रहा है, इस महीने में कोई तुलसी में पानी देता है, तुलसी की परिक्रमा करता है, बहुत बड़ा उसका फल है। तो ये काम हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। और दूसरा तीसरा महाराज जी का एकादशी व्रत तो करना चाहिए, माताएं तो बहुत एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। आज किस किसने एकादशी व्रत रखा है? हाँ देखो, एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है, महाराज जी ने कथा महीनों सुनाई होगी। अब नवरात्रि 9 दिन रखो निजला, शिवरात्रि रखो और बहुत सारे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति रखो, और क्या रखो आप पूरा शिवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी कितने व्रत रख लो, पर एकादशी व्रत नहीं रखते ना, आपको कर्मों का फल भोगने पड़ा, नर्क जाना ही पड़ेगा। और व्रत रखोगे फल मिलेगा, नहीं रखोगे नहीं मिलेगा। पर एकादशी व्रत का क्या है, अगर व्रत नहीं रखोगे तो पाप लगेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, गो हत्या का फल लगेगा, मातृ पिता की हत्या का फल लगेगा, और उसको कोई भी व्यक्ति जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, अन्न में पाप का वास है, एक अन्न खाया उसमें पाप गया, दो अन्न खाया उसमें पाप गया, गो हत्या का फल, धर्म हत्या का फल, माता पिता की हत्या का फल। इसलिए कभी भी एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी व्रत सभी को रखना चाहिए। भागवत में एकादशी की महिमा और किसी व्रत की नहीं, जिसने एकादशी व्रत रखा ना उससे देवी भी प्रसन्न हो गई, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए, 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। महाराज जी महिमा बता रहे थे सुबह एकादशी की। हाँ अच्छी बात है, निजला का निजला रखना चाहिए, पर भगवान बड़े दयालु है, जो निजला नहीं कलयुग के जीव है, जो निजला नहीं रख सकते कम से कम फल खा सकते हैं, बेर शरबत पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, और बहुत ज्यादा करो तो आलू खा सकते हैं, है ना, आलू भी। किसी तरह से एक दिन व्रत रखना है, और एकादशी व्रत रखो तो क्या वो पाप नहीं लगेगा, क्या मिलेगा? एकादशी क्या है, भगवान के भक्ति की जननी है, एकादशी तिथि भक्ति देने वाली है, भगवान को देने वाली एकादशी तिथि है, स्वयं भगवान की एकादशी है। और चौथा चीज है नाम, जो बता रहे थे ना भगवान का नाम, भगवान का नाम करना चाहिए। महाराज जी बोले कि सुनाते चार मोह की कथा, ये हर बार महाराज जी सुनाते, बड़ी मेहनत करते महाराज जी, फिर भी हम लोग फिर भूल जाते हैं। देखो सबरी को उनके गुरु माकंदा ऋषि एक बार बोल गए, सबरी प्रभु आएंगे तुम भगवान का नाम मत छोड़ना, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं और बड़े ही शक्तिशाली हैं, वो एक दिन जरूर आएंगे, वो इतना ही बोल के गए। और सबरी ने भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ा, और लोगों ने छोड़ दिया पर सबरी ने छोड़ा, बाद में भगवान भी आए। पर महाराज जी बार बार, गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि नाम करो नाम करो, हम क्या करें 10 दिन भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसकी हमें महिमा नहीं पता, तो जाएगा क्या हमारे साथ नाम। इसके उपलक्ष्य महाराज जी चार रानी की कथा सुनाते हैं,
महाराज जी बोले कि चार रानी की कथा सुनाओ। तो महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, पर आप इसको सभी को बताया तो क्यों सुनाते इसको बार बार, किसी तरह से एक बार ही हमारे हृदय में बैठ जाए। कभी भी भगवान का नाम हमसे छूटे नहीं, कभी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत हमसे छूटे नहीं। और भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है देखो, ध्यान करिए। एक राजा की चार रानी थी, कितनी रानी थी? चार। ध्यान करके सुनना, अगर सुनोगे नहीं तो कोई फल नहीं। इसमें एक राजा की चार रानी थी। देखो ये पूरी भागवत कथा की सार है, अगर इतनी सी बात अगर समझ गए, समझना सात दिन कथा सुनने का फल नहीं है। सात दिन कथा सुनने का, क्योंकि कथा की जो सार है ठाकुर का नाम है। इसलिए ये कथा से हमें, मैंने कितने लोगों को सुधारे, कितने लोग इस कथा सुन करके उनकी जीवन परिवर्तन हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण कथा है। ये कथा सुनाने के बाद मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ प्रभु जी ने क्या कथा सुनाया, जो नहीं बोलेगा ना बीच में उसको खड़े भी कर देगा। ऐसे सुनना है जैसे कथा सुनने के बाद बोल सकते हो। एक राजा की चार रानी थी, कितनी रानी? चार। हाँ बुद्धिमान। तो चार रानी थी। राजा पहली रानी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, और जो उसकी पसंद की वस्तु थी वो लाके देता था, जो भी वो कहती थी उसको वो करता था, बहुत प्रेम करता था, और जो जो भी वो डिमांड करती थी उसकी लाके देता था। और दूसरी रानी को भी राजा बड़ा प्रेम करता था, उसको हर जगह दिखाता था, देखो मेरी रानी ये कितनी सुंदरी है, जगह जगह किसी पत्नी सुंदरी हो ना, बार 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 आपको फेसबुक पे व्हाट्सएप फोटो खींच खींच के बार बार भेजते, सबको दिखाते थे कि कितनी सुंदरी है, लेके जाते थे। और वो रानी को राजा बहुत प्रेम करता था और सब जगह उसको दिखाता था। परंतु जो तीसरी रानी थी, तीसरी रानी को भी राजा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। और तीसरी रानी को एक और चार रानी थी, पर चौथी रानी जो थी राजा को बहुत प्रेम करती। जब तीसरी नंबर रानी थी वो खूब मीठा मीठा बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब महल में आता था वो तीसरी रानी के पास में बैठता था। वो जो मीठा मीठा बात को बना बना करके बोलती थी उसको सुनकर बड़ा खुश होता था, लेकिन मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। चौथी रानी, तीसरी रानी को हर बात बोलता था, जो भी हृदय की बात है बोलता था। अच्छा चौथी रानी को राजा प्रेम नहीं करता था, जब से शादी करके आया है ना उसको साबुन पूछना, ना तेल, ना लिपस्टिक, ना साड़ी, कुछ नहीं पूछता था। पर चौथी रानी ना बहुत प्रेम करती थी राजा को, बहुत प्रेम करती थी। तो राजा सोचता था तीन रानी मेरे को प्रेम करती है। पहली जो रानी थी, राजा ने प्रसन्न किया पहली रानी से, भाई मेरा मृत्यु को समय आ रहा है तो तुम क्या करोगे, मेरे साथ चलोगी? पर उन्होंने पहली रानी को प्रसन्न किया तो, परंतु पहली जो रानी थी वो इतनी, राजा उतना इतना प्रेम करता था, हर वस्तु उसको लाके देता था, हर वस्तु जो उसको लाके देता था वो। परंतु जब राजा ने एक एक रानी से अंतिम समय परीक्षा ली, बहुत बड़ी कथा है, महाराज जी बड़ी सुंदर डिटेल में करते हैं, मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ जो आप सार समझ सको। तो पहली रानी से राजा ने अंतिम समय प्रश्न पूछा, क्योंकि उस रानी ने, राजा से बड़ी उम्मीद थी रानी से कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो रानी ने क्या जवाब दिया, राजा मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकती, तो एक कदम भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो राजा को बड़ा धक्का लगा, फिर सबसे ज्यादा तो मैं इसको प्रेम करता था। तो बोले कि मैंने तुम्हें जीवन भर जो तुम्हें लाके, जो तुम्हें पसंद गोलगप्पे खाने का मन किया तो गोलगप्पे खिलाया, हाँ, और तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने का मन किया तो मैंने ब्यूटी पार्लर तुम्हें भेजा, टीवी देखने का मन किया मैं तुम्हें LCD लेके आया टीवी दिखाया, तुम्हें AC लगाने का मन किया मैंने AC लगा के दिया, पूरा जीवन मैंने तुम्हें लगा के दिया, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। रानी ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। तो ये पहली जो रानी है कौन है, आप बताओ कौन है पहली रानी, जो हमारे साथ, जिसकी हम सबसे ज्यादा सेवा करते हैं और हर पल उसकी सेवा करते हैं, पर वो हमारे साथ एक कदम भी चलता नहीं, कौन है पहली रानी? शरीर। सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? अपने आप को। शरीर को कैसे? सुबह सुबह तो इसको स्नान कराते, गर्मी लगती है ना, स्नान कराते हैं बढ़िया बढ़िया डब की साबुन से स्नान कराएंगे,
फिर कोई कोई माताएं तो इतना श्रृंगार करती हैं अपने पूरी, मैं गया था यार महारानी बाग, महारानी बाग में मैंने कहा भाई टॉयलेट कहाँ पर है आपका, तो उन्होंने कहा ये सामने टॉयलेट है, तो मैंने जाकर देखा, मैंने देखा सर टॉयलेट देखा, मैं घूम चक्कर लगा के मैं आ गया, देखा डायरेक्ट टॉयलेट कि मैंने कहाँ पर आपका बाथरूम है बता दो थोड़ा, तो बोले ये सामने वाला है, मैं दोबारा से घूम के आया, मैंने दोबारा दिखा नहीं, तो उन्होंने कहा कहाँ, मैंने कहा मेरे को बता दो भैया मेरे को दिख नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया बहुत सुंदर गेट दरवाजे का, बड़ा सुंदर गेट बाथरूम का गेट था, मुझे लगा दीवार है, उन्होंने क्या रिमोट दिया, रिमोट से बाथरूम का दीवार खोला रिमोट से, और जाकर देखा इतना बड़ा कारपेट मिला, 20 फुट तो कारपेट ही बिछा था बाथरूम में, और बाद में देखा पूरी कॉस्मेटिक की दुकान, लिपस्टिक इतनी सुंदर सुंदर, ब्यूटी पार्लर की दुकान, वापस क्रीम एक से बढ़कर एक, और एक से बढ़कर एक साबुन रखी थी, और एक से बढ़कर एक फेशियल रखा था वहां पर, लोगों ने ये क्या दुकान इतनी बाथरूम ना रहा, तो मैंने कहा, मैंने उनको बोला बाद में जब कथा खत्म हो गई, मैंने कहा प्रभु जी इसमें जो जाता निकलता कितनी देर में, बोले प्रभु जी हमारे जो भी लेडीज आती 4 घंटे कम से कम, तो हम इस शरीर के लिए क्या करते हैं, शरीर के लिए इतना श्रृंगार करते हैं, इतना वो करते हैं, अब जो काम कभी आने वाला नहीं, और इसको गोलगप्पे भी खिलाते हैं, बोल मन करा चटपटा खाने का गोलगप्पे खिलाओ, आइसक्रीम इसको खिलाओ, इस शरीर को पूरा दिन सजाने लगते हैं, जब अंतिम समय आएगा तो ये शरीर हमारे साथ चलता है, एक कदम भी नहीं चलता, क्यों 8 घंटा इसको देना 4 घंटा देना, है ना, आप जानते हो जो ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो कितनी देर में छोड़ दिए, वो कितनी देर में छोड़ दिए, कम से कम 1 घंटा में आप जाके देखें, हमको पता है पता नहीं गया आप कोई बात नहीं, 1 घंटे से कम नहीं छोड़ती, तो 1 घंटा अगर मारा नाम लेके बैठ जाओगे तो कितना भव सागर को पार हो जाओगे, तो क्या हुआ हम लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते इस शरीर को, वो हमारे साथ नहीं जाता। अच्छा दूसरी जो रानी है, दूसरी रानी को क्या है, जिसको राजा सब जगह दिखा देता, देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है, उसको पूछा राजा ने तुम मेरे साथ चलोगी, तो उन्होंने कहा राजा मैं तो तुम्हारे मरने का जाएगी, कब तुम मरोगे कब दूसरे से शादी करोगे, क्यों देखो मैं कितनी सुंदर हूँ कोई भी शादी कर लेगा, राजा ने तो बेचारे हार्ट अटैक की कमी रह गई, मरने तो वाला ही बेचारा एकदम जमीन निकल गई, बोले कि तुम इतनी मैं तुम्हारे लिए इतने प्रेम किया इतनी सेवा की और तुम बोले कि दूसरे शादी कर लूंगी, तो ये दूसरी रानी क्या है बताओ आपको बताओ, पैसा इतने बुद्धिमान है पर करते नहीं, है ना, दूसरी रानी क्या है पैसा धन है जिसको हम दिखाते हैं, आप देखो दूसरों में क्या होता है शादी करते शादी 1-1 करोड़ की शादी 2-2 करोड़ की शादी कन्यादान कितना आया भाई, एक अभी हमारे एक शादी होने वाली कल परसों की शादी है, वो बोले नाई को गाड़ी दी होंडा सिटी नाई को दी, नाई को कलर है, मैं तो बाल काटकर 10 रुपए लेता हूँ यार, दूसरे बहुत अच्छे लोग होते हैं, होंडा सिटी नाई को दे दी, तो हम लोग दिखाते भाई इसने इतनी बढ़िया शादी की इतने बढ़िया, और भागवत में क्या हो यार 11,000 रुपए 21,000 देते हैं बहुत मुश्किल से, काम 11-1 करोड़ 2-2 करोड़ में शादी हम लोग कर देते हैं, तो क्या होगा सब दिन दिखाते हैं, जब शादी में जाते हैं ना ये तो पुरुषों की बात होगी, आप कभी सारी स्त्रियों की बात कर रहे कोई पुरुष की बात नहीं कर रहे, पर स्त्री की ज्यादा बात है, क्यों क्योंकि स्त्री जब सोने का श्रृंगार करके निकलती है ना, जब किसी शादी में जाती है ये इतने सारा सोना पहनती है कर्णों में कुंडल सोने का, ये इतना सारा दिखाती है कि ये हमारे साथ जाएगा, परंतु क्या है धन किसी के भी साथ में जाएगा, जब मृत्यु आएगी ना मृत्यु आएगी तो जो बैंक बैलेंस है और सोना है चांदी है सब यहाँ पर यही रह जाएगा, वो दूसरे से शादी कर लूंगी उनका मतलब क्या है तुम मुझे छोड़ दो, आज दूसरा भाई तैयार है लेने को, लड़ाई हो रही है गलती करो, पर सोना ना जब कोई मरता है ना तो माँ धीरे से कहती है तुम्हारे पिताजी के गले को अंगूठी है 5 अंगूठियां में निकाल लेना भूलना मत, क्यों रोने लगती अरे इतना बढ़िया था, देखो इतना प्रेम कर रहे हैं और याद रहती है, मैंने देखा एक माता जी सच्ची बात बता रहा, एक माता जी बहुत रो रही थी और क्या हुआ
पति के लिए रो रही थी। और जैसे ही धीरे धीरे छोटे वाले बेटे को बोला, बेटा पिताजी की उंगली में तीन अंगूठी है, उन्हें निकाल लेना, ले जा रहे हैं, दिख लेना। फिर रोने लगी दूर दूर से। तो देखो कितने बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं हम लोग मूर्ख हैं। कुछ भी साथ नहीं जा रहा, सोना भी किसी ने रख लिया और जिनके लिए धन कमाया वो तो बैंक दूसरे के बैंक बैलेंस हो गया। इसके भी कितना हम धन कमाने में पूरा जीवन एनर्जी लगा देते हैं कि कोई भी हमारे काम नहीं आता। तीसरी रानी कौन है जिसको राजा अपने सुख दुख की बात करता था और अपने मन की सारी बात बताता था, ये तीसरी रानी कौन है? परिवार। कौन है? परिवार। ये रिश्तेदार, बुआ जी, मामा जी, बुआ जिनकी शादी में जाते हैं, बुआ जी का खाता, बुआ जी का कार्ड आया है, चले जाएंगे, चाचा जी, ताऊ जी, जो जितने रिश्तेदार है ना, तो सब जो ये इनको सुख दुख की बात करते हैं। परंतु इनको बोलो, तीसरी रानी को राजा ने बोला तुम मेरे साथ चलोगे? तो बोले हाँ हम जा सकते हैं, द्वार तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। तो बेचारे ये भी रिश्तेदार जाते हैं थोड़े बहुत एक दो दिन रोलते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? कोई तो शमशान घाट तक जाते हैं। पत्नी कहाँ तक जाती है? पत्नी तो गेट तक ही जाते हैं, बेचारे वहाँ ही रोती है जैसे भी। और शमशान घाट में जगा के बाय बाय करके आ जाते हैं, कोई साथ जाता है? अच्छा चौथी रानी जो कौन है? चौथी रानी वो है जो राजा को बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। पर चौथी रानी को राजा ने कभी भी प्रेम नहीं किया, जब से शादी होके आई है ना, तो उसको साड़ी पूछी है, ना लिपस्टिक पूछी है, ना कभी साबुन लाके दिया है, ना कुछ। पर इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है कि पति तो मेरा है ना, कभी ना कभी तो पूछेगा, बड़ी प्रेम करती है उसको। तो चौथी रानी के पास राजा जा ही नहीं रहा, बड़ी शर्म आ रही है। क्यों? पहली रानी ने ऐसा जवाब दिया कि राजा आत्महत्या करने लगे, दूसरी रानी ने बड़ा उसको ऐसा जवाब दिया, तो तीसरी रानी के पास, चौथी रानी के पास राजा के जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि भाई ये तो थप्पड़ ही मारेगी सीधा। तो जब चौथी रानी के पास राजा गया, हिम्मत करके गया, चलो जब मैं तो मर रहा हूँ जब भी पूछ ही लूँ। चौथी रानी के पूछे, रानी बड़े दुख की बात है, मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया और कभी तुम्हारी सेवा नहीं की, और मेरे को बड़ी शर्म भी आ रही है पूछने में, पर फिर भी मैं पूछता हूँ, मेरा अंतिम समय आ रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी रानी बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और बोली, प्रभु मैं आपका इंतजार कर रही थी कब से, मैं जानती थी ये तीनों जो रानी है ना, ये तीनों ठग की ठग है, आपको ठगने के लिए आई है, कोई भी तुम्हें प्रेम नहीं करती, पर तुम इनको पूरा एनर्जी इनको ही देते हो, पर मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करती थी और मैं चाहती थी कब मेरे पास आए, मैं तुम्हारा इतने दिनों से इंतजार कर रही थी तो तुम मेरे पास आए। और चौथी रानी बोले, राजा जहाँ तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी, तुम्हारे दुख में दुखी रहूंगी, तुम्हारे सुख में सुखी रहूंगी। राजा इतनी बात सुना रोने लगा, गदगद हो गए, रानी मैंने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तुम्हें कभी पूछा नहीं, तुम मेरे को इतना प्रेम करती हो, इसलिए आप याद रखो चौथी रानी कौन है? भगवान का नाम है, भगवान है, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। इस चौथी रानी को कभी भी समय नहीं देते, महाराज जी कहते एक घंटा बैठ के नाम करो, एक दो घंटा ब्यूटी पार्लर में दे रहे हैं, 8-8 घंटा धन कमाने में लग रहे हैं जो धन साथ नहीं जाता, और रिश्तेदारी निभाने में, देखो हम लोग आए हमारे इतने सारे संबंध है, करे कोई कहता है ना फेसबुक पे हमारे इतने लिंक है, व्हाट्सएप पे इतने संबंध है, मेरे फ्रेंड लिस्ट इतनी है, 5,000 है 1,000 है, कोई भी काम नहीं आएगा। से संबंध ना ही जार वृद्धा जन्म गेलता, लाख लाख की संबंध बनाओ कोई भी काम नहीं आएगा अंतिम समय, एक संबंध बनाओ किससे? भगवान से, गुरु से एक संबंध बनाओ। बड़े दयालु हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, और हमारे बड़े पास हैं, कहाँ बैठे हैं? हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं बड़े दूर रहते हैं हमसे, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी कभी कभी दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, कभी छोड़ के भी चले जाते हैं, पति भी कभी पास आते हैं कभी दूर चले जाते हैं, पर वो जो भगवान है एक सेकंड के लिए छोड़ के नहीं जाते, एक सेकंड के लिए भी। इतने दिनों से चौथी रानी के रूप में हमारे हृदय में बैठकर इंतजार कर रहे, मेरी तरफ कब देखेगा, अभी ये कहाँ देख रहा है? धन की तरफ, माया की तरफ, रिश्ते नातों की, कोई इसके काम नहीं आएगा, और मैं चौथी रानी, मैं इसके हृदय में बैठ के इसका इंतजार कर रही हूँ, कब आएगा।
इसलिए वो भगवान का जो नाम है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम नामिनो। इस भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी दया, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य, सारी कृपा और सारा आनंद रख दिया है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमित स्मरणे न काले, और कोई भी समय नहीं रखा, दिन में करो, शाम को करो, रात को करो, बिना स्नान करे करो, नहा के करो, गरीब करो, धनवान करो, यहाँ तो धनवान को लोग पूछते हैं और सुंदर लोगों को पूछते हैं, पर भगवान इतने दयालु हैं, कोई बूढ़ा लोग भी भजन करेगा उसको भी पूछेंगे, कोई कुरूप करेगा उसको भी पूछेंगे, कोई गरीब करेगा उसको भी पूछेंगे, पर संसार के लोग किसको पूछते हैं, जिसके पास धन है, जिसके पास रूप है। इसलिए प्रभु बड़े दयालु है, बड़े शक्तिशाली है और बड़ा ही सुख देने वाले। इन प्रभु का नाम आज से लेकर जाओ, कभी छोड़ना नहीं पर हमेशा करना। बीच बीच में महाराज जी आएंगे और किसी की परवाह मत करो। मैं सच की बात बता रहा हूँ, अपने गांव की बात, मैं तो नाम करता था मेरा मजाक उड़ाते थे सब लोग, अभी पूरे गांव का लोग, छोटे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लोग, जहाँ भी जाता हूँ खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। कोई भी आप देख लेना, आप मेरे साथ आ जाना, मैं जाऊँगा, क्योंकि कभी भी शर्म कुछ समय शर्म लगेगी। और बाद में वही लोग कहते हैं माया के जो बलि पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, एक दिन रोएंगे, यम के धूप में जाएंगे और उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। आप चिल्लाएंगे आज धन काम नहीं आ रहा, आज परिवार काम नहीं आया, पर जो भगवान का नाम लेते हैं वो आनंद में नित्य करेंगे। प्रभु कितने दयालु हैं, हम कहाँ पर आ गए। इसलिए आप लोग घबराओ मत, ये लोग कोई भी काम नहीं आएगा, भगवान का नाम करो यही हमारे काम आएगा। समय ज्यादा ले लिया, महाराज जी का सुनाएंगे, बोलो मेरे नाम बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। इन लोगों ने माला लिए हो, ताली बजाओ, आप विजय यागा विजय झूल बुलाते। इसलिए इन लोगों ने माला लिए हो, माला गुरु जी कहते हैं कभी भूखा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि माला नहीं गुरुदेव ने हमें ठाकुर दिया, हमारी गोद में कृष्ण को दे दिया हमें। अगर एक दिन अगर हमें माला नहीं जप किया, इसका मतलब क्या, ठाकुर जी भूखे रहे, ठाकुर जी आज स्नान नहीं किया, ठाकुर जी आज वस्त्र नहीं बदलाया, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम रूप में आए। कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए जो माला किए हो रोज माला नियम करें, और इसी माला ही चौधरी रानी है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा भजन करो, अगर बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा के रखना है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमाते हो, गुरु जी कहते थे खबरदार बच्चे के लिए पैसा मत रखो, वो हो रहा होगा तो कमाई लेगा, और जिसका बेटा पिता जितनी ज्यादा पैसा कमा कर गए उसका बेटा उतना ही सत्यानाश है, उतना जुआनी शराबी गंजड़ी भंगेड़ी सत्य सब है। इसलिए ऐसे धन बनाओ जो कि इसी जीवन में काम आएगा और दूसरे जीवन में भी काम आएगी। क्या भगवान की नाम रूपी धन कमाओ जो तुम्हारी साथ में जन्म, ठीक है ना। इसलिए सब एक बार हाथ उठा करो, हरे कृष्णा। देखो हम चाहते हैं आप लोग तो संस्कारी हो, क्योंकि पुरानी समय, लेकिन अभी का जो बच्चे हैं ना वो बड़ी उल्टा पुल्टा रास्ता में चल रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन के इतने पागल हो गए। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो एक ही बात सुनते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे उल्टा रास्ता में चले गए, बच्चा बात नहीं, हर जगह में एक ही बात सुनते, एक ही बात। इसलिए हमारे बीच में ये प्रभु जी है, आपकी बच्चों को कैसे धीरे धीरे जोड़ना, कैसे भक्ति मार्ग में लाना, बच्चे कैसे संस्कारी बने, सवेरे उठ करके पिता माता की चरणा छुए, पिता माता के आदेश को पालन करें। इसलिए ये प्रभु जी कोशिश कर रहे हैं सब आपको बच्चों को धीरे धीरे भक्ति में कैसे जोड़नी चाहिए। मैंने जहाँ जहाँ अभी आली गाँव में गया था, आपके गुजर गाँव में सब बच्चे आ गए थे, प्रभु जी उनको क्लास देते थे। जो बच्चा अभी एकदम भजन में रुचि नास्तिक हो गया था, भजन भजन से तो कोई रुचि नहीं था, लेकिन प्रभु जी कथा सुना मेरे पास लाकर माला रखे थे, बोले बाबा हम माला चेक करेंगे, उसको पिता माता बोले बाबा तो बड़ा नास्तिक था, इसके भक्ति भक्ति में
दिन भर स्मार्टफोन लेकर के तीन बार और पिता माता की बातें नहीं सुनता था, बड़ा उद्धार का था वो। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मेरे बच्चा बदल गया, अरे मैं पाला भी जब करूँगा। इसलिए वो आकर के मेरे से पाला आपके आदि गाँव की कथा और घर घर में हमने गए, बच्चों को बैठाए समझाए, बच्चे पहली बार में हुए। इसलिए ये प्रभु जी चाहते हैं तुम्हारी बच्चों को कैसे परिवर्तन करे। आज जिस घर में बच्चे भगवान की भजन करे, भक्ति करे, तिलक लगाए, वो घर नहीं वो भगवान के धाम, वही बोला वो वृंदावन है। अगर घर में रामायण गीता हो, बेटी जैसे बहू जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो ना, तब वो घर नहीं वही अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या। उसका नाम क्या है? अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या? जहाँ कभी युद्ध नहीं होता है। अवध, उसका नाम अवध। अवध मतलब जहाँ कहीं बध नहीं होता है। इसलिए वो घर भगवान की धाम रख जाते हैं। लेकिन इसलिए आप लोग कोशिश करो, आपको बच्चों को लेकर के आए और बच्चों को ये प्रभु जी अलग क्लास देंगे, हैं? फिर बच्चों को अलग क्लास देंगे, बच्चों को समझाएंगे, कभी प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। प्रभु जी ये ऐसे नहीं, बहुत लिखे पड़े। बताओ तो आपने क्या क्या किया? अब बड़े बड़े जगह पर उन्होंने नौकरी किया, कहाँ कहाँ नौकरी किए? गोदरेज, हनीवेल, हेटी, ये सारी एमएनसीज में काम किया हुआ है, क्लासन एंड ट्यूब्रो। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हम देखो गले में गड्ढी है, तिलक लगाते हैं, बच्चों को समझाते हैं भजन के लिए। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे जो बच्चे, देखो हम पैसा क्यों कमाते हैं बताएं बच्चों के लिए। अगर बच्चे अगर सुधर गए ना बॉस, तुम्हारे घर तो भगवान का धाम। अगर हमने सब कुछ बच्चे के लिए किया, बच्चे भजन में नहीं, पिता माता के नाम ही नहीं सुनते। मैंने कल बता रहा था ना, नोएडा में हमने गए, देखा पिता माता जी ओल्ड हाउस में 500-500 गज की घर है, हजार हजार गज की घर है, और हमने देखा उसको इतने बड़े, और कहाँ पर ओल्ड हाउस में हमने कथा सुनाई जब भगवान की। बोले बाबा हमने तो बच्चों को लिखा बड़ा सिखा दिया, बचपन से कोई संस्कार नहीं थी। अगर बचपन में संस्कार लेते तो हम कभी ओल्ड हाउस में कभी नहीं निकलते। हमारी गलती हो गई, बोले पढ़ो 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 पढ़ो, एटीएम में काम बढ़ा दिया, कैसे पैसा कमाओगे? लेकिन भक्ति की कोई संस्कार नहीं थी, इसलिए अभी ओल्ड हाउस में जीवन बिता है। घर में बहू आई तो एकदम घर को सत्यानाश कर दी, बच्चे को भी पागल बना दी, और दोनों अभी बुढ़ा बुढ़ी अभी ओल्ड हाउस में बिता रहे। इसलिए आप ध्यान रखो, पहले तो खूब भजन करो। पहला गुरु कौन है? पिता माता। अगर खुद माता भाई काम नहीं करती है, बच्चों को बोल सकते बेटा तेरी माँ है, पहले क्या करना, पहले माता को पहले भजन करना, फिर बच्चों को भजन लगाओगे। पहले खुद हरी नाम करो, ठीक है ना? फिर बच्चों को बोल सकते बेटा तू भी एक माला कर, तू भी गीता रामायण पढ़। खुद नहीं करोगे बच्चे उद्धार का बनेंगे, और बूढ़ा ढाबा लठिया नहीं, वो लठिया सर पर पड़ेगी भाई, बूढ़ा का लठिया नहीं सर को पर गिरेगा। इसलिए अगर चाहते हो बच्चों को संस्कार बनाए, घर घर धाम बने, बच्चों को संस्कार दो, भजन करो, बच्चों को भजन करो। इसलिए आज कुछ लोग आए थे माला लेके गए, अगर कल जिसकी इच्छा होगी सवे आ जाना विनोद जी प्रभु घर में, और माला और कुछ भक्त लोग गोपाल मंत्र लेकर गए, जिस मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जिसको इच्छा होगा ले सकते हो, प्रभु जी कुछ कदा सुनाएंगे। फिर अभी राधा है घर में कि वो मुझ पर मेरे जैसे नव साधकों पर कृपा करें, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर पाए। महाराज जी का आदेश हुआ है कि कुछ बोल पाओ, जिससे कि जो आज का युवा वर्ग है उसका कुछ मार्गदर्शन हो पाए, जैसा कि गुरुवर महाराज जी ने और वैष्णवों ने मेरा और मेरे जैसे कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आज कल की आज की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? तोड़ दो कदम बीमारी कौन बोला तोड़ दो कदम बीमारी कौन सी है?
कौन सी है? नहीं तोड़ दिया, खत्म हो गई। आगे बोलो। सबसे बड़ा है लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? जैसा प्रभु जी इतनी देर तक समझाते रहे हमें, महाराज जी समझा रहे हैं, तिलक कंठी माला ये वो, भाई क्या कहेंगे लोग? स्कूल जाऊंगा कंठी पहन के, बच्चे छेड़ेंगे, चुटिया रख ली तो ए चोटी कहकर चिढ़ाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बचपन में जब भी किसी चुटिया वाले को देखता था ना, बहुत हंसते थे हम, दोस्त लोग बन के मजाक उड़ाते थे, पर ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा सत्य है कि आगे चल के बड़े आराम से इसी को ग्रहण करूंगा और लोगों को कन्विंस करूंगा कि रखो। ठीक है, ये बहुत, ये भी की वस्तु है। क्यों? ऐसा मार्गदर्शन हुआ हमारा और यही सुयोग आज आपके घर आया, ये बिल्कुल आपके गांव में अंदर आके ये सुयोग दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितनी माताएं बहने बैठी हैं, बड़े बड़े प्रभु जी बैठे हैं, सबने कंठी पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, हरिनाम कर रहे हैं, पर जब यंग जनरेशन की तरफ देखते हैं, युवाओं की तरफ देखते हैं, संख्या थोड़ी कम हो जाती है, पर युवाओं में जोश बह लगा है, शर्म आ रही है। एक चीज खुद सोचो, एक बात बोलूंगा, अगर डॉक्टर कह दे, अगर डॉक्टर कह दे कि भाई तू बीमार हो गया है और सुअर की टट्टी को माथे पे ऐसे लगाना पड़ेगा 15 दिन तक, तभी तू बच पाएगा, क्या करोगे? क्या सुअर गाय बोल देते डॉक्टर साहब, देख लो गाय हो जाए, भागते फिरोगे कॉली मोहल्ले में कि सुअर मिल जाए और ताजा ताजा लगाए हम। है किसका है? इस शरीर का। अभी हमने कथा सुनी, इस शरीर के लिए हम क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? माताओं पे बहुत हो गया, मैं प्रभु जी पे आता हूँ, बहुत माताओं पे हो गया, प्रभु जी में जाता हूँ। कहाँ जाते हैं? जिम, गोल्डी जिम, ये जिम, वो जिम, डंबल मारेंगे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, बेंच प्रेस मार के आया हूँ 150 किलो की। ठीक है, कहाँ की? 150 किलो की। और बाल कहाँ पे? हबीब पे। क्यों? क्योंकि जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पिताजी मर गए, उनको क्या बोलोगे? पिताजी कि चलो पिताजी को उठाओ, पिताजी को जला के आते हैं? नहीं, हम बोलते हैं डेड बॉडी उठाओ। और कितनी देर में निकालते हैं घर से? क्या 2-3 महीने रखते हैं कि नहीं पिताजी थे बहुत प्यारे थे? नहीं भाई, जल्दी से जल्दी जाओ और जला के आओ। ऐसी क्या चीज थी उसके अंदर जिसने उसको जिंदा रखा हुआ था? वो छोटा सा बच्चा कहता है वही तो है, हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं जब तक इस शरीर के अंदर हूँ तब तक मैंने ही इस शरीर को जिंदा रखा हुआ है, ये शरीर तो मरा हुआ है, समझना, ये शरीर मरा हुआ है, इसके अंदर जो मैं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, उसी ने ही इस शरीर को जिंदा रखा हुआ है। इस कंफ्यूजन में ही ये यंगस्टर्स पड़े हुए हैं। क्यों नहीं मान रहे हो आज की डेट में धर्म को? पता है हम नहीं समझा पाए कि ये धर्म है क्या? स्कूल तो समझाएगा नहीं भाई, स्कूल को क्या चाहिए? अपने पैसे से मतलब है भाई? कोई भी आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, जो मर्जी आए, नास्तिक आए, आस्तिक आए, काला आए, लूला आए, लंगड़ा आए, क्या आए? पैसा आए, टाइम पे फीस आए। वो नहीं सिखाएगा इन बातों को, क्यों? क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। पर यहाँ पे समझना कि हम लोग जो महाराजी लोग हैं, हमारे वैष्णव लोग हैं, इसी चीज का, इस धर्म का प्रचार करने निकले हैं कि असली धर्म क्या है। और यंगस्टर्स में क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा है। देखो आज की डेट में जितनी भी लड़ाइयां हम टीवी में देखते हैं, अभी श्रीलंका पे अटैक हुआ, वो अटैक क्यों था? धर्म की लड़ाई है। तो कंफ्यूजन में है यंगस्टर के, ऐसा कैसा धर्म में केवल लड़ाई की बात कर रहा है? तो यही चीज समझनी है कि धर्म है क्या। आज 2 मिनट लेंगे, एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करेंगे कि बच्चे समझ पाए कि धर्म कहते किसको है। तो शास्त्रों में एक चीज बताई धर्म की परिभाषा, धार्यते इति धर्म,
मतलब धार्यति इति धर्म कहने का मतलब है धर्म वो गुण है जो उस वस्तु को हमेशा धारण करके रखता है, हमेशा। अगर उस धर्म ने, उस गुण ने उस वस्तु को छोड़ दिया तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है, आग का धर्म क्या है, क्या है, जलाना। जलाना उसका वो गुण है, अगर मैंने अग्नि में से वो गुण निकाल दिया तो क्या अग्नि अग्नि रहेगी? मैं कह रहा हूं मेरे हाथ में अग्नि है पर जल कुछ नहीं रहा, उसको मान लोगे फिर वो अग्नि नहीं है, या तो वो कोई मंत्र है या वो कोई टोटका है पर वो असली अग्नि नहीं है। ऐसे ही जब ये आत्मा बनी, भगवान का क्या, भगवान ने कहा ना ममेव वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव मेरा ही अंश है। जीव क्या है, किसका अंश है, भगवान का। तो जब ये बना तो इसके साथ इसका एक विशेष गुण बना, एक विशेष गुण जो क्या है इस आत्मा का, क्या है, धर्म। तो वो विशेष गुण उस आत्मा का जो हम समझना चाहिए वही उसका धर्म कहलाएगा। तो जब हम गए, जब हम समझना चाहेंगे तो हम पहले इस जगत का देखते हैं। एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक बेटा है, अपने माँ बाप से उसने जन्म लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, माँ बाप का अंश है ना बच्चा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या है, माँ बाप की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना। ऐसे ही ये आत्मा जो भगवान से बनी, जो उनके अंशी भगवान है, उनका अंश है, तो आत्मा की स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। समझ गए, आत्मा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान की सेवा करना, जिससे वो बनी है उसी की सेवा करेगी ना। जैसे हम इस संसार में देख रहे हैं भाई, एक पुत्र ने जन्म लिया तो पेरेंट की स्वाभाविक रूप से वो सेवा करता है। ऐसे ही अब वो आत्मा का विशेष गुण क्या है, सेवा करना, क्या है, सेवा करना। समझना, भगवान कैसे हैं, भगवान सनातन है, सनातन का मतलब है जो थे, हैं और रहेंगे। भगवान ने ये भी कह दिया कि जीव भी मेरा ही अंश है और सनातन है, इसका मतलब ये आत्मा भी थी, है और रहेगी। अब कि सनातन आत्मा, सनातन भगवान की जब सनातन सेवा में लग जाती है तब हम उसे कहते हैं कि उसने सनातन धर्म प्राप्त कर लिया। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है कि हम इस टेंपरेरी शरीर में फंस गए हैं, क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। ये शरीर आज की डेट में गुजर फैमिली में आ गया तो क्या बोल दिया, इसको टाइटल क्या दे दिया, रेक्सवाल भैंसला, ये टाइटल आ गया। ब्राह्मणों में चला गया तो क्या आ गया, भारद्वाज, चतुर्वेदी, दुबे, चौबे, पता नहीं कौन से वे। ऐसे ही पाकिस्तान चला गया तो अली, मोहम्मद, शान, खान, पता नहीं कौन सा खान। तो क्या है, ये शरीर के धर्मों में हम फंसे हुए हैं। समझ रहे इस चीज को, हम इस शरीर के धर्मों में फंसे हुए हैं। जैसे ही हम इस आत्मा के धर्म में प्रतिष्ठित होकर, देखना कोई लड़ाई होगी, हर एक आत्मा का धर्म कौन सा धर्म है, सनातन। हर एक आत्मा का, इसी मैसेज को सोचना, हम भारतीय नहीं समझ पा रहे हैं पर वो विदेशी, वो अंग्रेज, वो पाकिस्तानी, वो इराकी, वो चाइनीज, वो जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, ब्राजील, वेस्ट इंडीज, हर जगह के लोग, दुबई, सब समझ रहे हैं कि अच्छा हम तो आत्मा है, जो अभी धर्म मिला है वो तो शरीर का है, तो मुझे कौन से धर्म का पालन करना है, आत्मा के धर्म का। इस सनातन, इसीलिए वो आज की डेट में आ रहे हैं और कौन से धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म कहां से पैदा हुआ, जहां हमने जन्म लिया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में जो चीज बनी है, जो मेरे घर में बनी है, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक एग्जाम्पल सोच, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपका बेटा है 5 साल का, ठीक है, आप आए, आपने आग बढ़ती है, गया बैग खोला, एक गड्डी निकाली, स्वाहा आग बड़ी आहा, दूसरी गड्डी डाली, स्वाहा आग बड़ी आहा, ऐसे करके 10 गड्डी डाली, वाह वाह। अब पिताजी आएंगे तो क्या बोलेगा, अरे मेरा लाडला बेटा, कोई बात नहीं बेटा, 20 लाख ही भूखे हैं, कोई बात नहीं, खेल है तेरा, कोई बात नहीं, ठीक है, पीठ थपथपा दी बच्चे की,
अब वही बच्चा हो गया 12 साल का, फिर वही बैग आया, उसको बचपन का खेल याद आया, गड्डी उठाली डाली आहा वाह वाह, और अब की बार 10 नहीं 20 गड्डियां फूट डाली। तो अब पापा आएंगे तो क्या करेंगे, मेरा प्यारा रह जा बेटा, वाह वाह, पीठ तब दबाएंगे या गाल तब दबाएंगे, बताओ भाई। बचपन में 20 फूके, अब 40 60 का हो गया ये बच्चा, 60 का पड़ा है ये बच्चा, बताओ क्या करेंगे, पीठ तब दबाएंगे या गाल, कोई बात नहीं, थोड़े से गाल तब दबाए बच्चा सोचा कोई बात नहीं, पापा का मूड खराब कर जाए, अगली बार पापा गड्डी बढ़ा रहा है, अगली बार 2 करोड़ पड़े थे। और बच्चा भी हमारा सयाना हो गया, एडल्ट हो गया, 21 साल का है, वोट दे सकता है, कहता लोड़ी है भाई लोड़ी है, और गड्डी तो बहुत बड़ी है, आज तो बड़ी लोड़ी बनाएंगे, लिया बैग और पूरा डाल दिया, आ लोड़ी बनाई है। अब बताओ पिताजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मेरा राजा बेटा एडल्ट हो गया है, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा है, क्या करेंगे उसके साथ, 2,60,00,000 ही तो जलाए हैं, कितने जलाए हैं, 2,60,00,000। अब यही स्थिति पता किसकी है, हमारी महाराज जी आते हैं हमें छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, अरे मेरे राजा बेटे हो तुम, मेरे प्यारे बेटे हो, अच्छे से समझाते हैं, माला कर लो माला कर लो, देखो महाराज जी कुछ नहीं कर रहे हैं, महाराज जी हर बार समझा रहे हैं, इतने सालों में हमारी आयु भी बढ़ती जा रही है पर हर साल उससे ज्यादा प्रेम से समझा रहे हैं। पर एक भगवान की शक्ति है जो इस रथ में घूम रही है, जो देख रही है, कौन, ये भगवान ने बताया ये संसार नहीं है, ये जेल है, ये जेल है, ये दुर्ग है, और इसकी जेलर कौन है, दुर्गा देवी। अब देखो दुर्गा देवी देख रही है कि इसको भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया, अभी 2 दिन पहले महाराज जी ने शरीर की वैल्यू बताई थी, याद है किसी को, 1 हाथ 10 लाख, 2 हाथ 20 लाख, करते करते शरीर कितने का था, अरबों खरबों का। अब यही अरबों खरबों का शरीर से मैं क्या देवी क्या कर रही है, उतने ही कष्ट दिए जा रही है, वो पीठ नहीं थपथपा रही, गाल थपथपा रही है, और किससे, त्रिशूल से, हाथ में क्या है उनके, त्रिशूल, ये त्रिशूल क्या है, हम माता के भक्त है, ये त्रिशूल क्या है, 3 तरीके के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, देवताओं से मिलने वाले ताप, सर्दी गर्मी भूकंप हाँ भुखमरी कुछ भी, ठीक है, सब हो जाता है, और ये 3 तरह के ताप हमें कष्ट दे रही है। इसका सार है भगवान के भजन में, तो